ईमानदारी जिंदा है इसका प्रमाण उस समय देखने को मिला जब गांधी चौक के पास एनआईटी में कार्यरत युवक रवि कुमार को 30,000 रुपए का चेक सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। बता दें कि चेक पर अकाउंट क्रॉस नहीं किया हुआ था जिसे कोई भी निकलवा सकता था। रवि कुमार ने सड़क पर पड़े हुए चेक पर गांधी चौक पर खड़े हुए मीडिया के लोगों को दे दिया। पीएनबी हमीरपुर का 30,000 का चेक को मीडिया के लोगों ने पीएनबी की बचत भवन शाखा में पहुंचाया, जहां पर पीएनबी मैनेजर शशांक ने कड़ी पड़ताल के बाद चेक के ऑनर अशोक कुमार निवासी नाल्टी से दूरभाष पर संपर्क किया, जिस पर पाया कि चेक आज की डेट का काट दिया गया था। पीएनबी मैनेजर शशांक ने बताया कि अशोक कुमार ने यह चेक प्रवासी मजदूर को काम करने के एवज में दिया था, जिसे प्रवासी पंकज ने कहीं पर गुम कर दिया था। बाद में पूरी पड़ताल के बाद चेक को पीएनबी शाखा में पहुंचे पंकज को सौंपा गया। इस अवसर पर मीडिया कर्मी जसबीर कुमार, अरविंद सिंह, रणवीर ठाकुर, सुशील शर्मा, अश्विनी कुमार भी मौजूद थे। जी, ये हमारे पास जो है चेक जसबीर जी ने दिया, जो कि इनको रवि नाम के शख्स ने हैंडओवर किया था और ये अकाउंट पे ही नहीं था। ये किसी के भी हाथ लगता तो वो आसानी से इस पैसे को विड्रॉ कर सकता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जसबीर जी का और मीडिया के सभी लोगों का जो इन्होंने सुनिश्चित करा कि ब्रांच में पहुँचे और जो भी जिस भी व्यक्ति का है ये उसको हैंडओवर किया जाए। किसका है ये आपने पता लग बात की उनसे? हाँ जी, मेरी बात हुई है उनसे, तो हमने उनको बोला कि अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आके वो हमारे से ये कलेक्ट कर सकते हैं। एनआईटी में कार्यरत रवि कुमार ने बताया कि चेक सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर खुद भी हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि चेक आज के ही डेट का काटा गया था और करीब 30,000 रुपए का था। कहाँ पे मिला ये? मेरा पर शॉप में चेक है, हम थाना में इसको देने जा रहे थे और अभी आप मिल गए। कहाँ पे गिरा, कहाँ होता चेक? सड़क पे गिरा होता है। कुल कितनी कीमत है, कितने अमाउंट, कितना भरा? 30,000 हाँ जी। ईमानदारी जिंदा है। मीडिया कर्मी जसवीर कुमार ने बताया कि मुझे ये चेक रवि कुमार ने दिया, जिसे ये चेक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था और इस चेक को तुरंत पीएनबी शाखा में दिया गया, जहां पर पूरी पड़ताल के बाद पंकज कुमार को चेक सौंप दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो SBI पटियाला का ATM है, वहां पे 10,000 रुपये किसी एक व्यक्ति ने डिपॉजिट करवाए मशीन में, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हो पाए। तो बाई चांस ही मैं ATM से पैसे निकालने वहाँ पहुँचा था, तो मैंने देखा कि वो पैसे वहीं पे पड़े हुए थे, तो झट से मैंने पैसे लिए और बाहर जाके उस व्यक्ति को पैसे बाई चांस उसको पैसे दिए हैं 10,000 रुपये में, और उस व्यक्ति ने मेरा धन्यवाद भी किया। और आपके आज की घटना बता दें कि आज भी यहाँ पे मुझे एक मेरे जानने वाले हैं मिस्टर रवि, जो NIT में काम करते हैं, उन्होंने मुझे 30,000 का चेक दिया जो कि कोई भी निकाल सकता, क्रॉस नहीं किया हुआ था, इसके ऊपर अकाउंट पे नहीं था वो, तो उस चेक को हमने PNB यहाँ पे जो बस उनके साथ शाखा यहाँ पे मैनेजर के पास दिया और मैनेजर ने उस बैंक ने जो जिसके जिसके नाम का चेक था वो नाल्टी से रहने वाले हैं वहाँ पे पूरा क्रॉस चेक करके वो जिसका भी चेक वो गुम हुआ था उसे सही उसे पहुँचाया है। वही मीडिया कर्मी रणवीर ठाकुर ने बताया कि चेक को बैंक मैनेजर को दे दिया गया है और इसके बाद चेक के मालिक से बात करके प्रवासी पंकज को चेक सौंप दिया गया। आज हमारे मीडिया साथी जसवीर जी को एक चेक मिला था सड़क पर, जो हमने आज PNB के प्रबंधक को इन्होंने सौंपा है। मैं इनको बधाई देता हूं और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने वो चेक जो है वो उसको ट्रेस भी कराया है और जिस भी व्यक्ति का वो चेक था उसे आज दे दिया गया। हमारा नाम पंकज कुमार हुआ, मेरे से गलती से गिर गया चेक। कितने का था? 30,000। तो मैनेजर साहब का धन्यवाद करो जिन्होंने आपको, इनका करो धन्यवाद ना कि जसवीर जी का और मीडिया के सभी लोगों का। आप सर चल ठीक है।